अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर इन क्लास टू, चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स विदाउट एनी एरर। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो हमारे काम को बहुत जल्दी कर देती है और बगैर किसी गलती के, बगैर टाइम वेस्ट के। अब है हमारे पास एक्सरसाइज, हमारे पास डायग्राम्स हैं, हमने इस डायग्राम्स को देख के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं हमारे पास आगे दी हुई हैं वो पेज, नेक्स्ट पेज पे, तो हमने उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है हमारे पास द डैश इज़ अ कंप्यूटर इज प्लेस ऑन द स्टडी टेबल नियर द बेड। डेस्क टॉप कंप्यूटर, द डैश कंप्यूटर इज प्लेस ऑन द साइड टेबल नियर द डोर। ऑल इन पेन, सुफियान इज होल्डिंग अ डैश टैबलेट। Sufyan's father is using a dash smartphone. Sufyan's brother is sitting on the bed and playing a game on a dash laptop. Exercise B. Write T for true and F for false statements. We can place our desktop computer on our plan false. A computer cannot do difficult calculations false. Computers can store a lot of information true. A laptop is higher than a desktop computer false. A desktop computer works on battery false. Exercise C. Question number 1. Name the different parts of computers used in their size. Size के हवाले से हमने computer के different parts के नाम बताने हैं। सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट पीसी। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड ऑप्शन 4 है हमारे पास स्मार्टफोन। ये तमाम क्वेश्चंस आपने बुक पे राइट करने हैं और इनको और अपने याद भी अच्छे से करने हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।